सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी। तो मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज के पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारयां दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे देश दे खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दी, जिन्हां दे वल्लों किसानां दी संसद दे बारे एक विवादित बयान दे दिता गया है। प्रियंका गांधी भी किसानी अंदोलन दे पक्ष विच नितरदे दिखाई दिंदे ने। मोदी सरकार हुण युवापा दे देश द्रोह दे कानून नूं लैके भी कसूती करदी दिखाई दिंदी है। पंजाब दे विच एक होर सियासी गठजोड़ हो सकता है, तुहानू उस बारे भी जानकारी देंगे। किसने अते क्यों कैप्टन अमरिंदर सिंह दा मोती महल अज घेरिया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसनू अते क्यों सलाम किया है, तुहानू सारी जानकारी देन जा रहे हैं। पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं किसानां दे अंदोलन तो। लगातार किसानां दे वल्लों अपने अंदोलन नू अगे वधाया जा रहा है। संसद का मानसून सैशन चल रहा है अते जंतर मंतर किसानां दे वल्लों अपनी किसान संसद चलाई जा रही है। सोमवार नूं महिला किसानां दी संसद दा दिन है अते महिला किसानां दे वल्लों ही इत्थे सारी कार्रवाई निभाई जानी है। जिहड़े मैंबर ऑफ पार्लीमेंट होणगे उह वी महिलावां ही होणगियां, स्पीकर अते डिप्टी स्पीकर भी महिलावां ही होणगियां। महिलावां दी किसान संसद इत्थे सोमवार नूं लग रही है। इस दा ऐलान पहलां ही संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों कर दित्ता गया सी, पर हुण किसानां दी संसद लैके देश के खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर दे वल्लों एक बयान दिता गया है, जिस नूं लैके विवाद होने लग पिया है। सवाल पूछा गया नरेंद्र तोमर दे कोलों कि किसानां दे वल्लों अपनी एक संसद चलाई जा रही है, सीधे तौर पर तुहाडी सरकार नूं रज के भंडिया जा रहा है, की कहना चाहते हो? वह कहिंदे ने कि देश दे विच एक ही संसद हुंदी है अते वह हुंदी है चुने हुए नुमाइंदियां दी, जिन्हां नूं लोक वोटां पा के चुन के भेजदे ने। सिर्फ इको ही संसद हुंदी है, किसानां दी संसद का कोई भी अर्थ नहीं है, कह सकते हैं कि उसका कोई भी मतलब नहीं है, उसका कोई भी असर नहीं है। यह सारा कुछ कहन की कोशिश अपने बयान दे विच नरेंद्र तोमर दे वल्लों की गई है अते इस बयान का जवाब हुण किसानां दे वल्लों भी दे दिता गया है। किसान आगू राकेश टिकैत कहिंदे ने कि जेकर साडे वल्लों गलत तरीके नाल किसान संसद चलाई जा रही है तो पुलिस तुहाडी है, फड़ के साडे ते परचे करो, सानू गिरफ्तार कर लो। इदां ही नरेंद्र तोमर दे वल्लों बयान दिते जा रहे हैं। सगों उन्हां दे बयानां दा कोई अर्थ नहीं हुंदा, किसानां दी संसद दा तां अर्थ है, पर नरेंद्र तोमर दे बयानां दा कोई भी अर्थ नहीं हुंदा। जदों भी उन्हां दे कोलों खेती कानूनां बारे किसानी अंदोलन बारे कुछ भी पुछिया जांदा है इक्को ही भाषा बोली जांदे ने, रटिया रटाया जवाब नरेंद्र तोमर दे वल्लों दित्ता जांदा है। मन लो उन्हां नूं कहीए कि तुसीं तमिल भाषा दे विच भाषण दे रहे हो, संस्कृत दे विच भाषण दे के दिखाओ, तां उन्हां ने कहना है कि नहीं, मैं जो रटिया रटाया है मैं उही बोलांगा। उन्हां नूं इक्को ही भाषा है, उन्होंने बयान दे विच कोई तब्दीली नहीं होंदी है। जेकर लगातार तीन साल नरेंद्र तोमर दे वल्लों इसे तरह का ही रटिया रटाया बयान दिता गया, जिहड़ा कि हर वार दिंदे ने कि सरकार गलबात करन लई तैयार है, खेती कानून रद्द नहीं होणगे, रद्द करन दी जेकर शर्त नहीं रखी जाती है फिर गलबात करांगे। जेकर यही बयान लगातार तीन साल नरेंद्र तोमर दे वल्लों दिता जांदा है तां राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिता है कि किन्नी क देर तक रहणगे, तीन साल ही सरकार रह गई है, फिर अगली सरकार दे अगले खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल असी आपे गल कर लवेंगे, सानू की है साड़ी पूरी तैयारी है। जेकर सानू अगले 36 महीने भी दिल्ली के बार्डर से बैठना पै जाता है तो कोई गल नहीं, इन्हों सदना पेगा गलबात ना सदनगे तो अगली सरकार के अगले खेतीबाड़ी मंत्री के नाल असी गलबात कर लवेंगे। पर यह खेती मंत्री अपना बयान नहीं बदलता है। राकेश टिकैत दे वल्लों ये काफ़ी तिखा वार इत्थे देश दे खेतीबाड़ी मंत्री ते कर दिता गया है। जेकर गल करिए तोमर के इस बयान सियासी प्रतिक्रियावां दी तां आ पंजाब दे प्रधान भगवंत मान ने भी वड्डा बयान दे दिता है। वह कहिंदे ने कि बेअर्थे ये किसानी अंदोलन अते किसान संसद नहीं, सगो बेअर्थे इन्हां दे खेती कानून ने, ये बेकार ने, ये बेलोड़े ने, इन्हां नूं रद्द किया जाना चाहिए है, वापस लिया जाना चाहिए है। जानबुझ के केंद्र की सरकार नूं सब पता है कि खेती कानून नहीं चाहिए, किसानों के वलों विरोध किया जा रहा है, पर फिर भी जेकर केंद्रीय मंत्रियों के वलों अजिहे बयान दिए जा रहे हैं तो वह बहुत गलत गल है। भगवंत मान ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के इन्हां मंत्रियों के तानाशाही का जिन बढ़ गया है, इस करके ही अजिहे तानाशाही भरे बयान इन्हां मंत्रियों के वलों दिए जा रहे हैं। बेलोड़ा दस रहे हैं किसानों के अंदोलन बेअर्था दस रहे हैं, बेअर्थे इन्हां दे कानून ने जिहड़े कि इन्हां दे वलों धक्के नाल देश के लोगों थोपे जा रहे हैं।
ने भगवंत मान इतने काफ़ी ज़्यादा गुस्से आते दिखाई देंगे ने अगे वे एक बार फिर तो ट्रैक्टर परेड की जाएगी कदों कितने तो इस बारे भी दस दें। हरियाणा के जींद 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च किसानों के वलों किया जाएगा। हरियाणा के किसानों ने ऐलान कर दिता है कि जींद शहर के 15 अगस्त को किसी भी पोलिटिकल लीडर झंडा नहीं लहराउंदे आंगे, भावें वह भाजपा का होवे, भावें वह JJP का होवे, भावें मंत्री होवे, भावें आम विधायक होवे, किसी नूं भी 15 अगस्त के झंडा नहीं लहराउंदे आंगे। सगों किसान इस बार आजादी दिहाड़ा मनाउणगे अपने तरीके नाल मनाउणगे। जींद दे विच 15 अगस्त को ट्रैक्टर परेड किसानों के वलों की जाएगी, ये वड्डा ऐलान हरियाणा के किसानों के वलों कर दिता गया है। अगे वधदे आ गल कांग्रेस पार्टी की कर लैने। राहुल गांधी दे वल्लों पार्लीमेंट दे बाहर महात्मा गांधी दे बुत दे थले खेती कानूनां दे खिलाफ अपने साथी संसद मैंबरां दे नाल रोस प्रदर्शन कुछ दिन पहला कीता गया सी। अते हुण प्रियंका गांधी भी खेती कानूनां दे खिलाफ मैदान दे विच नितरदे दिखाई देंदे ने। प्रियंका गांधी दे वल्लों खेती कानूनां दे विरुद्ध अज एक वड्डा बयान दे दिता गया है। वह कहिंदे ने कि केंद्र दी सरकार ना तां यह समझना चाहती है कि खेती कानूनों का विरोध करने के पिछे किसानों की की मंशा है, अते ना ही इस सरकार दे कोल शहीद हुए किसानों का कोई अंकड़ा है। यह सरकार तो बस अपने खरबपति मित्रां दा चश्मा ला के बैठी हुई है, इसनों किसी नाल कोई भी वाह वास्ता नहीं है। अते लगातार किसानों का अपमान इस सरकार दे वल्लों कीता जा रहा, जबकि खेती कानून रद्द किए जाने चाहिए ने। खेती कानूनों नूं काले कानून प्रियंका गांधी दे वल्लों भी कह दिता गया है। पहला सवाल कांग्रेस पार्टी की नैशनल लीडरशिप से चुके जा रहे सन। बलबीर सिंह राजेवाल के वलों सोनिया गांधी को एक चेतावनी भी दी गई सी कि सिर्फ पंजाब के कांग्रेसी संसद मैंबर ही खेती कानूनों का विरोध कर रहे हैं। की गल तुहानू की लगता है, खेती कानून ठीक ने कि जां फिर किसान नहीं चाहिए तुहानू? जेकर तुसी विरोध ना कीता तां फिर कांग्रसियां दा विरोध भी पूरे मुल्क दे विच करना शुरू कर देंगे। उस तो बाद राहुल गांधी ने भी रोस प्रदर्शन किया, हुण प्रियंका गांधी भी पूरी तरह मैदान दे विच नितरदे दिखाई देंदे ने। पंजाब दे कांग्रसी संसद मैंबर तां पहलां ही खेती कानूनां दे खिलाफ मैदान दे विच नितरे हुए ने। अगे वधदे आ गल नवजोत सिंह सिद्धू दे किसानां बारे दित्ते गए बयान दी कर लैने आ। नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों अपने आप नूं खूह अते किसानां नूं प्यासा कह दिता गया। उस तों बाद किसानां ने रज के नवजोत सिंह सिद्धू नूं भंडिया, उहनां नूं हंकारिया होया दस्सिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने सफाई भी दे दित्ती कि मैं नंगे पैरी किसानां दे कोल जाण लई तैयार हाँ, मेरे सारे बजुर्ग ने, मेरे मावां पिओआं वर्गे ने। अजिहा बयान भी नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों दे दित्ता गया, पर किसान अजे भी शांत होंदे दिखाई नहीं दिंदे। किसानां दे वल्लों लगातार कहा जा रहा है कि इस बंदे नूं हुणे हुणे प्रधानगी मिली है जिहड़ी कि इस दे सिर नूं चढ़ गई है, इस करके ही किसानां दे खिलाफ अजिही बयानबाजी नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों कीती जा रही है। जेकर गल करिए आम आदमी पार्टी दी तां आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर हुंदी दिखाई दिंदी है। पहला नवजोत सिंह सिद्धू ते कुछ नरम चलदी सी आम आदमी पार्टी, पर जदों तों पता लगा है कि आम आदमी पार्टी दे विच नवजोत सिंह सिद्धू नहीं आना, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहना है, आम आदमी पार्टी ने भी अपने हल्ले और भी तिखे सिद्धू के खिलाफ कर दिते ने। कुलतार सिंह संधवा फिर बोल पए ने। कुलतार सिंह संधवा का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों अपना हंकार दिखाया जा रहा है। एक पासे तो नवजोत सिंह सिद्धू नूं कुर्सी नाल प्यार है अते सिद्धू दे बोलां दे विच हंकार है। ये दो गल्लां कुलतार सिंह संधवा दे वल्लों इत्थे कह दित्तियां गईआं ने। एक बार फिर तो मंग कीती गई है कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं पहली गल तां ए अगे तों अजिही बयानबाजी नहीं करनी चाहीदी है, अते दूजी गल जिहड़ा बयान दे दित्ता है उहदे लई किसानां दे कोलों मुआफ़ी भी नवजोत सिंह सिद्धू नूं मंगनी चाहीदी है। कुलतार सिंह संधवा नवजोत सिंह सिद्धू तो वार वार मुआफ़ी मंगण की मंग करते दिखाई देते हैं। अगली खबर के वल वधदे आ गल मोदी सरकार की कर लैने। मोदी सरकार काफ़ी कानूनों नूं लैके कसूती घिर जाती है, पर अजकल UAPA जिसनों युआपा कहा जाता है अते देश द्रोह के कानूनों नूं लैके मोदी सरकार कसूती घिरी हुई है। एक पासे जिथे सुप्रीम कोर्ट के वलों केंद्र सरकार नूं इह सवाल पूछा गया है कि आजादी के इन्ने सालों बाद देश द्रोह वर्गे कानून की जरूरत की भारत दे विच हैगी है,
इस सवाल पूछा गया है। उधर दूजे पासे हुण यूएपीए अते देशद्रोह दे कानून दे खिलाफ अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते भी भारत सरकार दी किरकिरी हुंदी दिखाई दिंदी है। अंतरराष्ट्रीय पद्धर दीआं मनुखी अधिकारां दीआं जथेबंदियां दे वल्लों इस गल नूं लै के चिंता जताई जा रही है, जिवें भारत दे विच देशद्रोह दे कानून धड़ा धड़ धरावां लोकां ते लाईआं जा रहीआं ने। अते हुण सुप्रीम कोर्ट दे साबका चार जजां दे वल्लों इस नूं लै के भी सवाल चुके जाण लग पए ने। उन्होंने भी देशद्रोह दे कानून दे खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। सुप्रीम कोर्ट दे चार साबका जजां दा कहना है कि जदों दा ये कानून भारत दे विच चल रहा है उदों तो ही देखा जा रहा है कि इसकी सही वरतों घट हुंदी है अते अपने विरोधियों दीआं आवाज़ां दबाउण लई इस कानून की वरतों ज़्यादा की जाती है अते इस बारे विचारिया जाना चाहीदा है कि की हुण भारत विच इस कानून की लोड़ भी है। चारां विचों एक जज का कहना है कि इसकी जो प्रक्रिया है जदों किसी ते केस पै जांदा है तां जदों फिर कानूनी प्रक्रिया चलती है जिस ते ये इल्जाम लाया जाता है कि उसने देश द्रोह का गुनाह किया है उस लई कानूनी प्रक्रिया ही एक सज़ा बन जाती है। वैसे तो कानूनी प्रक्रिया हो के उस तो बाद सज़ा सुनाई जानी होंगी है अदालत दे वल्लों, पर इस कानून के तहत जिहड़ी कानूनी प्रक्रिया है बंदे लई उही सज़ा बन जाती है। इस करके मुआवजे की धारा जोड़ी जानी चाहिए है कि जेकर देश द्रोह का कानून साबित नहीं हुंदा तां उस बंदे का फिर की होएगा, उसनू कोई ना कोई मुआवजा सरकार नू देना चाहिए है। यह कानून खत्म कर देना चाहिए है। लगभग सुप्रीम कोर्ट के चार साबका जजां दे वल्लों यह गल कह दी गई है। केंद्र सरकार इत्थे तर्क दे रही है कि इसनू खत्म नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, इस दे विच दिशा निर्देश जरूर ऐड कर दिते जाने चाहिए ने तां जो इसकी गलत वरतों ना हो सके, पर केंद्र सरकार का मनना है कि देश की सुरक्षा के लिए देश द्रोह वर्गे कानून भारत दे विच होने बहुत जरूरी ने, इसकी गलत वरतों नहीं होनी चाहिए है। यह गल भारत सरकार दे वल्लों भी इस वेले कबूली जा रही है। अगे वधदे आ पंजाब दी सियासत दे वल आउने आ। श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी दे वल्लों आपस दे विच गठजोड़ किया गया तां पंजाब दी सियासत एकदम तेज़ हो गई सी। उस तो बाद कुछ कम ठंडा पिया तां कांग्रेस दे वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू नूं पंजाब दे विच प्रधान ला दिता गया ते हुण एक बार फिर तो पंजाब दी सियासत दे विच उबाल आउंदा दिखाई दिंदा है। हुण खबरां ये आ रहियां ने कि आम आदमी पार्टी दे वल्लों पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दे नाल गठजोड़ किया जा सकता है अते जो खबरां कुछ मीडिया अदारियां दे वल्लों चलाईयां जा रहियां ने उस दे तहत आम आदमी पार्टी श्रोमणी अकाली दल वाला ही फॉर्मूला तय करेगी। जिवें श्रोमणी अकाली दल ने 20 सीटां बहुजन समाज पार्टी नूं दित्तियां ने उस तरह आम आदमी पार्टी भी पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल संयुक्त जिहड़ा कि सुखदेव सिंह ढींडसा अते रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा दा एक दल है, पंजाब दे विच सियासी दल है, उस नूं 20 सीटां आम आदमी पार्टी दे वल्लों दित्तियां जा सकदियां ने। बाकी सीटां ते आम आदमी पार्टी आप चोणां लड़ेगी, अजिहियां खबरां सामने आउंदियां दिखाई दिंदियां ने। जिहड़ियां सीटां श्रोमणी अकाली दल संयुक्त नूं दित्तियां जाणियां ने उन्हां खबरों के मुताबिक तरन तरन दो सीटा हो सकदियां ने, श्री आनंदपुर साहब दो सीटा हो सकदियां ने, संगरूर दीटा हो सकदियां ने, पटियाला जिले दीटा भी हो सकदियां ने। हालांकि इस बारे किसी के वलों भी अजे तक पुष्टि नहीं की गई है। पुष्टि तो की जानी है, सगों पंजाब आप दे सह इंचार्ज राघव चड्डा के वलों ट्वीट करके इस तो साफ इनकार कर दिता गया है। वो अपने ट्वीट के उन्होंने पंजाबी भाषा के ट्वीट किया है, सीधे तौर पर लिखते ने कि असी ना तो कोई अजिहा फैसला लिया है आम आदमी पार्टी ने, अते ना ही कोई अजिहा फैसला लैण का विचार भी आम आदमी पार्टी का है। आप पंजाब का सह प्रभारी होने के नाते मैं ये गल स्पष्ट करना चाहता हाँ कि ना तो श्रोमणी अकाली दल संयुक्त नाल गठबंधन संबंधी कोई फैसला लिया गया है, ना ही इस दे संबंधी साड़ी कोई गलबात चल रही है। इस तरह ट्वीट करके राघव चड्डा दे वल्लों सीधे तौर पर इस गठजोड़ की खबर तो इनकार ही कर दिता गया है, पर मीडिया अदारे खबर चला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हुण इनकार कर रही है, पर एक दो दिन के ही इस गठजोड़ का ऐलान किया जा सकता है। जेकर परमिंदर सिंह ढींडसा और सुखदेव ढींडसा की गल करिए संकेत दे चुके हैं कि हाँ आम आदमी पार्टी के नाल गठजोड़ किया जा सकता है। हुण आम आदमी पार्टी ये गठजोड़ करती है जां फिर नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा। पर सवाल तुहाडे कोलों पुछ लेना चाहुंदे आ कि की आम आदमी पार्टी नूं पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल संयुक्त दे नाल सियासी गठजोड़ करना चाहीदा है, फायदेमंद होएगा आम आदमी पार्टी दे लई, इन्हां दोनों पार्टियां दे लई, तुहानूं की लगता है कि जां फिर नहीं करना चाहीदा? जो भी तुहाडी राय है कमेंट करके अपनी राय
जरूर दिओ। अगे वधदे आ गल बेरोजगारां दी कर लैने आ। अज एक बार फिर तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दा मोती महल घेरिया गया है बेरोजगार अध्यापकां दे वल्लों। अज 2364 ETT टेट पास अध्यापकां दे वल्लों रोस प्रदर्शन मोती महल दे बाहर किया गया है। उधर नूं मार्च किया गया, पुलिस दे वल्लों उन्हां नूं बैरीकेडिंग करके रोक लिया गया। ये 2364 ETT टेट पास अध्यापक ने जिन्हां दी सिलैक्शन हो चुकी है पर इन्हां दी नियुक्ति नहीं हुई है। दरअसल कुछ कानूनी दावपेच विच आ गया, कोर्ट दे विच केस चल रहा है अते ये अध्यापक पंजाब सरकार नूं ये अपील कर रहे ने कि कोर्ट दे विच कोई चंगा वकील पेश करो तां जो कानूनी अड़चन नूं हटाया जा सके अते असीं अपनियां नौकरियां ज्वाइन कर सकीए। सरकार ने नवे बंदियां नूं तां नौकरियां की देणियां ने, जिन्हां दी सिलैक्शन हुई पई है उन्हां नूं वी अजे तक नियुक्त पंजाब सरकार दे वल्लों नहीं कीता जा रहा है। ये इल्जाम इस वेले ये बेरोजगार अध्यापक पंजाब दी सरकार ते पंजाब दी कैप्टन सरकार ते लाउंदे दिखाई दिंदे ने। अगे वधदे आ गल पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कर लैने आ। बीते दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों मोगा दे हरबंस सिंह नां दे 100 साला बजुर्ग दे लई वित्तीय सहायता दा ऐलान कीता गया सी। सोशल मीडिया ते हरबंस सिंह दी एक वीडियो वायरल हुई सी जिस दे विच 100 साल तों वध दी उम्र होण दे बावजूद अपने अते अपने पोते पोतियां दा ढिड पालण लई उन्हां दे वल्लों काम कीता जा रहा सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नोटिस च जदों इह गल आई उन्होंने ये वीडियो देखी, एक पासे तो उन्होंने हरबंस सिंह दे पोते पोतियां दे लई पढ़ाई का इंतजाम करने की गल आखी कि सरकार पढ़ाएगी, दूजा 5 लाख रुपए की वित्तीय मदद भी पंजाब सरकार दे वल्लों तुरंत प्रभाव दे नाल हरबंस सिंह नूं दित्ती गई। पर हरबंस सिंह ने कम ना करन तो इनकार कर दिता। वो कहिंदे ने कि मैं कम तो करांगा ही, सरकार की मदद तो उन्होंने ले ली है पर वो कहिंदे ने कि मैं अपना काम काज जारी रखांगा, मैं वेहला बैठ के नहीं खा सकता। उस तो बाद हुण पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों हरबंस सिंह नूं सलाम किया गया है। एक पोस्ट पाई है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस विच उह लिखदे ने 100 साला हरबंस सिंह जी वर्गे मेहनती पंजाबी ही पंजाब की असली परिभाषा नूं बयान करते हैं। 100 साल की उम्र भी वह अपने हथी कमा के खाने विच विश्वास रख रहे हैं। मैनू खुशी है कि मैनू तुहाड़ी मदद करन दा मौका मिलिया ते तुहाड़ा किरत करो विच जो विश्वास है उसने मैनू खुद बहुत प्रेरित किया है ते मैनू पूरा विश्वास है पूरे पंजाब वासियां लई भी तुसी प्रेरणा स्रोत साबित होए होवोगे। इस तरह ये पोस्ट पा के वित्तीय सहायता करके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 100 साल बजुर्ग हरबंस सिंह नूं सलाम करन दी कोशिश अपने तरीके नाल कीती है। सो ये सी कुछ वो जानकारी, कुछ वो खबरां जो तुहाड़े तक पहुँचाउणियां बहुत जरूरी सन। इन्हां खबरां विचों किसी खबर बारे जां फिर पंजाबी प्राइम टाइम बारे तुहाडी कोई भी राय जां सुझाव है तां कमेंट करके अपनी राय जरूर दिओ। चैनल ते जेकर नवे आयो सबसक्राइब कर लो, बैल वाला बटन जरूर दबा लेना। जेकर ये पंजाबी प्राइम टाइम तुसी फेसबुक ते देख रहे हो तां फेसबुक ते द पंजाब टीवी दा पेज लाइक कर लो। मैं जज सिंह चाहल अगली बार फिर हाजर होवांगा। तुसी देखदे रहो द पंजाब टीवी, हर खबर दा सच।